Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। छवि आओ इधर आओ। आशा कम है बेटा, कम आओ आओ, ये पहले तो यहां रखो। आओ अब बस, तुम लोगों ने सुबह से मेरी कितनी हेल्प की है। यू बीन सच लवली गर्ल्स टुडे। एक मिनट विकी। हाँ जी आंटी जी। ओ हियर ही इज, कम मिलो इनसे। ये है छवि और ये स्वीट वन है आशा, और गर्ल्स ये है विकी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा। हाय विकी, चल इनके लिए जूस ले आओ। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं यू गया और यू आया। अब गर्ल्स बैठो बैठो, कम ऑन सिट, बहुत थक गई होगी ना तुम लोग। नहीं आंटी, हमें हॉस्पिटल जाना है। नहीं बेटा, पहले जूस तो पी लो। फिर बेटा अभी ये नशे की दवाई आशा की ड्रिंक में मिला देता हूँ, और अब तुम लोग भी पार्टी ज्वाइन कर लो। यू शुड ऑल्सो हैव सम फन ना। वो दही है। हैव इट। हमें नहीं चाहिए। लो ना छवि, पियो। अरे सबको सर्व कर रहे हो, प्लीज टेक इट ना। विकी तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेकर आया है। हैव छवि। नहीं हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, लेट हो रहा है। थोड़ी देर रुको, मेरी गाड़ी तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगी। आशा लो बेटा, सिर्फ जूस है। हैव इट। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ रहना होगा जब तक मैं चाहती हूँ, और फिर कुछ घंटों बाद तो तुम्हें अपना सामान लेकर घर छोड़ना ही है। अच्छा सुन बहना, वो तीनों पहुंच रहे हैं वहां पे। अपराजिता ने दिशा को लिफ्ट से निकाल लिया। अब मैं जब तक रोक सकता था मैंने रोक कर रखा। अब इस फैमिली ड्रामा का अगला एपिसोड तू ही संभाल। तुम पहले हमें ये बताओ, हम अस्पताल में थे तो घर में पार्टी क्यों की? अम्मा मेरी इंक्वायरी बाद में बिठा लेना आप, पहले अपनी इन लड़कियों के कारनामे तो सुन लीजिए। क्या किया है? अपराजिता तुम्हारी ये जो प्यारी सी छवि है ना, नाक कटवा दी इसने। मैं बताती हूँ मम्मी। क्या बताओगी? तो मैं बताती हूँ, ये लड़की विकी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अरे आप छुटलाने से क्या फायदा, पार्टी में तो तुम विकी से चिपकी जा रही थी। नहीं कभी इतनी हाई सोसाइटी पार्टी में तो गई नहीं होगी, इतने गुड लुकिंग लड़के को देख के बस फिसल गई। पीछे 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 उसके मैंने अपनी आंखों से देखा है, और फिर पता नहीं अचानक कहां से दिशा आई और विकी के सर पे बोतल मार दी, सर फोड़ दिया उसका। हम चलेंगे अपराजिता, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ये सोच सोच के कि ये लड़की कितनी वायलेंट है। शी इज मैड। इसकी छोड़ो, वो तुम्हारी तीसरी वाली को देखो, देख कैसे पड़ी हुई है। आशा आशा
आशा आके बोलो आशा। उठो उठो आंखें खोलो आंखें खोलो, चलो आंखें खोलो। क्या पिया तुमने? हाँ क्या पिया क्या पिया? मैंने जूस पिया था। जूस पिया था? मम्मी ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत एक नंबर की झूठी है। इनकी बातों में बता रहा मैं बताती हूँ पार्टी में क्या हुआ था। मैं झूठ बोल रही हूँ? सीरियसली? हाँ आप झूठ बोल रहे हो, जमीन की कोई गलती नहीं है। पार्टी में लड़के ने वो लड़का क्या हाँ वो लड़का क्या जबरदस्ती किस करने की कोशिश की? ये सिखाया तुमने अपनी बेटियों को? हाँ ट्रस्ट मी हिपोक्रेसी की भी हद कर दी है तुमने। यू नो गलती मुझसे हुई, इन लड़कियों के बार बार कहने पर भी ना मुझे इन्हें पार्टी में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। पर मुझे क्या पता था कि अपराजिता की बेटियां इतनी कैरेक्टरलेस है। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी अपराजित। मैं नहीं चाह रही कम से कम हमें तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा राइट। गाइस गाइस आई एम रियली सॉरी, यहाँ जो कुछ भी हुआ तो देखकर आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पार्टी इज ओवर, आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, ये हमारा पर्सनल मामला है। दादी को लेकर आओ। शूट उठ उठ के बैठ। बिजली का करंट लगे उस कमीनी को, उसकी वजह से हमारी पोतियां मुरझा गई है। नास पिटी, इसे हैंगओवर कम हो जाएगा ठीक है? अभी हम 112 पे फोन करते हैं और पुलिस अभी आ जाएगी। मैं उसी दिन पुलिस को बुला लेना चाहिए था जिस दिन आप जबरदस्ती इस घर में घुसे थे। सचमुच आपके घर में आने से घर गंदा हो गया। गंदी तुम्हारी सोच है अपराजिता, जो तुम्हें लगता है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मिडिल क्लास संस्कार एंड ऑल राइट, अगर लड़कियों को ऑल गर्ल्स के अलावा कोएड में भेजा होता ना तो थोड़ा तो एक्सपोजर मिलता है इनको। और एक बात बताओ, अगर छवि को गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही नहीं था तो फिर उसने किया क्यों? किसी ने गन तो नहीं रखी थी ना उसके कान पर? चलो उसने किया भी तो उस लड़के को लाइसेंस मिल जाता है हमारी छवि को हाथ लगाने का छूने का? अपराजिता
हमेशा लड़का गलत नहीं होता और लड़की सही नहीं होती। रुको निशा, रुको। मिट्टी ने कमरे में रहने के लिए कहा है। नहीं दादी, वहाँ पे वो दोनों साथ पर, मम्मी अकेले है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। निशा, और इस बार तुम्हारी तीनों लड़कियाँ गलत है। गलत नहीं, पर एक गलती जरूर हुई कि उस लड़की को ऐसे ही जाने दिया। उस लड़की को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना कि कभी किसी और लड़की को छूने की कोशिश भी ना करे। देखा देखा अपने पेरेंट्स के सामने कैसे वायलेंट बिहेव कर रही है, तो सोचो पार्टी में कैसे बिहेव किया होगा इसने। ना देखा ना सुना, बस चलती ट्रेन में कूद गई। तुम यहाँ क्यों आई? तुम अंदर जाओ, हम है ना यहाँ पर। माँ है, तुम जाकर अपनी बहनों को देखो, दादी का ख्याल रखो। जाओ जाओ। थैंक गॉड, कम से कम अपनी बेटियों को ये तो सिखा रही है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। हमारी बच्चियों का छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी भी एक बेटी है ना, क्या सिखा रही हो उसे कि हमेशा लड़कियां गलत होती हैं और जो तकलीफ में है उसे और तकलीफ दो? ये सिखा रही हो? ये विक्टिम शेमिंग सिखा रही हो उसे? यू अपराजिता, निया को बीच में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को बीच में लाने की? दिशा, अरे कौन चिल्ला रहा है? हाँ, अपराजिता जी, हेलो मैम, आपके साइन कुछ पेपर्स पे रह गए थे, अब जल्दी हमें आपके केस की हियरिंग की डेट्स मिलेंगी और फिर आप और आपकी बेटियों को इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स। घर में हमारी कानूनी साझेदारी है, हमारे मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे रे रे, माँ आप तो बुरा मान गई, मुझे कुछ नहीं करना है। एक मिनट, ये देखो, ये देख रही है, कागजात है घर के, इस घर के कागजात है ये, आपकी बिट्टी ने इस पे साइन कर दिया है। नहीं बताओ मांगो, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? अभी अपने आप घर भी खाली कर देंगे ना आप लोग, वरना सुबह हो जाएगी तो
पुलिस आ जाएगी। दिशा को ले पा चलो चलो चलो, देर हो रही हो। चाबी सुन, एक मिनट सुन। अच्छा भी बेटा, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मतलब मैं खुद चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रुक जाओ, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी पापा के साथ। मैं पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें बेस्ट कॉलेज में भेजूंगा मैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो तुम्हारी माँ ने तुमको गिफ्ट दिया ना, ये हिचकी खाती हो ना तुम जब सहम जाती हो, डर जाती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा पापा के साथ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवाऊंगा मैं तुमसे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाऊंगा तुम्हारा मैं। पापा सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, मेरी अच्छी वाली बच्ची हो ना तुम, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा के साथ रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो आया हूं ना मैं यहां वापस। एक अच्छी बच्ची पूनम, पापा की बेटी, रुक जाओ। हम अपनी माँ की बेटी हैं, ट्रस्ट किया है मैंने मोई। आई होप वही सच है जो तुमने मुझे बताया। आज चमी के साथ जबरदस्ती हुई, किसी ने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। झूठ बोल रही है वो। होप नहीं, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यू मीन मैं छवि के साथ कुछ भी गलत होने देती? कम ऑन याक्षी, मैं भी एक बेटी की मां हूं। हाउ कैन आई डू दैट? आई अग्री कि वो लड़का थोड़ा फ्रेंडली हो रहा था, बट देन यू नो आजकल की जेनरेशन, दे आर फ्रेंडली, आर वेरी फ्री। हाँ, नहीं है हमारी छवि ऐसी, उसे आज तक एक्सपोजर कहां मिला है, तो हो गई थोड़ा नर्वस। पर हमारी हॉट हेडेड दिशा सिर्फ एक हाथ पकड़ने पे इतना वायलेंट हो गई। आपकी छोरी दिशा के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज हुई है, इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। सोच लो अपराजिता, क्या चाहिए तुम्हें, घर या फिर बेटी? मुझे क्यों नहीं बताया गया था इस पार्टी के बारे में, तुम्हारे प्लान के बारे में, ताकि तुम्हारे बाप वाले इमोशंस फिर से जाग जाएं? नो वे, इसे हम थोड़े अलग तरीके से भी तो हैंडल कर सकते थे ना। जान, दिशा ने जो किया वो हमारे फेवर में ही था ना। जस्ट इमेजिन, हम जो इतने टाइम से करना चाह रहे थे, इतने तरीकों से करना चाह रहे थे, वो आज हो गया। फाइनली हम जीत गए। अपराजिता ने पेपर्स पर साइन कर दिया है, वो घर छोड़ने के लिए रेडी हो गई है, और क्या चाहिए? पूनम, पापा की बेटी, हम अपनी माँ की बेटी हैं। What is it? Come here. क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है जो मेरी जान को इतना परेशान किए जा रही है?
छवि उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, वो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं खो सी गई है। आज जो हो उसके बाद लिसन, आई एम श्योर कि छवि आज भी अपनी मां से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है। हाँ है वो थोड़ी अपसेट, लेकिन गिव अस सम टाइम ना, वो तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लेगी। आई प्रॉमिस। वो काम वाले घर के पेपर्स कहाँ हैं? वो लाओ जरा। अपराजिता को बच्चों की खातिर वो घर एक्सेप्ट करना ही होगा। ओ या, तुम उन्हें सड़क पे तो छोड़ोगे नहीं, अभी नहीं। अब ये तुम्हारे किस काम का? तोड़ दो। इसको तोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र हमारे गले में रहे ना रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दर्जा मंगलसूत्र नहीं बताता। मंगलसूत्र के बिना भी हम ही इस घर की बहन हैं। हम बिना मंगलसूत्र के भी निकल जाएं तो लोग हमें को अक्षय की पत्नी कहें। और तुमको दूसरी औरत। अम्मा हमको कहती है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चला। श्री राम भी वनवास गए और वहां से वापस आए, हम भी वापस आएंगे अपनी बेटियों के साथ। बैठ जाओ यहां पर। ताला नहीं खुल रहा। ये तो वो ताला नहीं है, ताला किसने बदला होगा? गुफरान तो नहीं कर सकता, कहीं उस चड्डा अंकल ने तो नहीं किया होगा। चड्डा क्यों? लव फोन दो अपना। यही बात है।
अपराजिता का फोन उठाइए और उसे साफ साफ कह दीजिए कि अब उसकी दोस्त नहीं चलेगी। ऐसा कैसे कह दूं मैं? दीजिए फोन। हेलो, हम अपराजिता बोल रहे हैं। आवाज पहचानती हूँ, हर महीने सुनती हूँ। किराया टाइम पर ना देने का बहाना। वो हमारी लॉन्ड्री का ना किसी ने ताला बदल दिया है। तुम्हारी लॉन्ड्री नहीं, हमारी दुकान। और किसी ने नहीं, ताला हमने बदला है। पर पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब किरायेदार अपने ड्यूटी भूल जाते हैं ना, तो मकान मालिक को हक जताना पड़ता है ताला बदल कर। क्या बात कर रही हैं आप? अब तो जब तक 2 महीने का एडवांस नहीं मिल जाता, तब तक चाबी नहीं मिलेगी। देखिए भाभी, दुकान भले आपकी होगी लेकिन लॉन्ड्री हमारी है। हर महीने का किराया देती हूँ आपको, ऐसे कैसे आप ताला बदल देंगी? हमको अंदर जाना बहुत जरूरी है अभी। चटपटा किसका आइडिया था ये? बस मोहिनी ने करवाया है ना, उसी ने बोला होगा ये ताला चेंज कर दो। निशा, एलर्जी समीर से बात करो और जब पैसों का इंतजाम हो जाए ना, तब मुझे फोन करना। ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी मैं बता रही हूँ, ये सारा किया धरा ना उस मोहिनी का है। तब इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे मम्मी? कहीं तो जाएंगे बेटा। भगवान एक दरवाजा बंद करता है ना, तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। थैंक्स भैया, फाइनली इस चड्डा से कह के आपने लॉन्ड्री को ताला लगवा ही दिया। बहुत हक हक का रट्टा लगा रही थी ना ये अपराजिता। बहू का हक, पत्नी का हक, अब किसी चीज के हकदार नहीं है वो, सिवाय इस काली अंधेरी रात में थक्के खाने के, वो भी अपनी बेटियों के साथ। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं बेटा। और पता है भगवान किसकी परीक्षा लेते हैं? जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्या लॉजिक है ये? वो सबसे ज्यादा फैलते तो उन्हें पनिशमेंट देते। ये पनिशमेंट नहीं है बेटा, ये सबर का इम्तिहान है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम इसे हंसते हंसते झेल जाएंगे ना, तो देखना बेड़ा पार हो जाएगा बस। और जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने गलती की, वो मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं। बेटा तुमने कभी देखा है कि एक मास्टर अपने एक विद्यार्थी को हमेशा टोकता है? खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए बस पढ़ाता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, उसका भला नहीं चाहता। वो इसलिए करता है ना कि आने वाले परीक्षा में वो विद्यार्थी पास हो जाए। और मैं एक दूसरा विद्यार्थी जिस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसे किसी बात के लिए नहीं टोकता, वो विद्यार्थी जो करना चाहता है करता रहता है, लेकिन होता क्या है, वो विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। बस वैसे ही है बेटा, ऐसे लोगों को ना भगवान एक लंबी रस्सी देते हैं। वो जितना चाहते हैं रस्सी छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। भगवान चाहते हैं कि वो खुद ही सुधर जाए, खुद ही समझ जाए। जिस दिन नहीं समझेंगे, भगवान रस्सी खींच लेंगे और वही रस्सी उनके गले का फंदा बन जाएगी। बस बेटा सब्र रखना है हमें। पता है 15 साल पहले जब तुम्हारे पापा हमको छोड़कर गए थे ना, तब हमको लगा था कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर आज नहीं लगता। आज इतना सब हो रहा है लेकिन फिर भी हमको ना उम्मीद ही नहीं होती। पता है क्यों?
क्योंकि तुम तीनों हमारे साथ हो, हमारा सहारा बनकर, हमारी ताकत बनकर। 15 साल पहले जब वो हमको छोड़कर जा रहे थे तो हम उनको रोकते रोकते ना अपने घुटने के बल गिर गए थे। कोई हमें उठाने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, लेकिन आज देखो कितने सारे हाथ हैं हमको सहारा देने वाले। माना ये रात काली है बेटा, लेकिन रात ही तो है, कट जाएगी। रात तो कटने के लिए होती है। माना आज उलझने हैं, तकलीफें हैं, लेकिन साथ में उम्मीद भी तो है। हमें पूरा यकीन है कि अंधेरा हटेगा, ये तूफान रुकेगा और सब ठीक हो जाएगा। क्या अपराजिता की लॉन्ड्री वाली कार सड़क पे खाली? हाँ यार, तेरे फोन करने के बाद मैंने अपने कुछ बंदे भेजे थे वहां पे चेक करने के लिए, उन्होंने ही मुझे बताया। पता नहीं अपराजिता कर क्या रही है। सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, और तेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो प्लीज मुझे बता देना। तो चल ठीक है, बाय। थैंक्स यार। अपराजिता, इस औरत की इज्जत पता नहीं उसे कहां ले जाएगी, और मेरी बच्चियों को भी। चलो बहन, हमें जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कहां जाना है। हम भी बस यहीं उतर जाते हैं। उठो बच्चों, चलो उतरना है यहां पर। मम्मी, हम वहीं आ गए वापस। वो देखो लॉन्ड्री। हम आ नहीं गए बेटा, लाए गए। यही मां का आशीर्वाद है, और अब यही हमारी किस्मत है। चल, ये इसे तू ही रख बहन, माता रानी का आशीर्वाद है, तेरी रक्षा करेगा। सर ढक लो, यहाँ बहुत धूल है। दिशा तुम भी। मम्मी मैं तो बस चाहती हूँ वो दुबई वाले हमें नजर ना आए रोज। अरे क्यों ना दिखे, हम तो कहते हैं कि रोज के रोज दिखें। बस भगवान हमको इतनी क्षमता दे कि उनकी शक्ल देखने के बाद भी हमें कोई फर्क ना पड़े। आई नो दिशु दी, आपके अंदर वो बदली की आग जल रही है, पर मम्मा सही कह रही है, जल नहीं रही है आग, भड़क रही है। अच्छा बताओ आग क्या क्या कर सकती है? फिर से कोई, पर इस बार मुझे इसका आंसर आता है। आग से हम खाना बना सकते हैं, और अंधेरे में रोशनी कर सकती है। आग जला भी सकती है, जलाकर सब कुछ राख कर सकती है। बिल्कुल सही, आग ये सब कर सकती है। पर अब हमें तय करना है कि हमें अपने गुस्से की आग से करना क्या है।
इस आग से खुद को जलाकर भस्म कर लेना है या इससे खुद को मजबूत बनाना है और कुछ नया करके दिखाना है। और वो देखो, वो बाई तरफ, वो हमारी बाई तरफ हमारा बीता हुआ कल है, हमारे बीते हुए कल की परछाई है, और यहाँ दाई तरफ हमारे आने वाले कल की रोशनी है। हमारी खुशियां, हमारी उम्मीदें, हमारे सपनों की रोशनी। अब ये तुम तय करो, किस रोशनी को गले लगाना है कि बीते हुए कल के पीछे भागना है। बताओ क्या करना है। सब करे बयां, खुद करे बयां, तेरी ये दास्तां। से जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, पर वो जो आपसे कहना चाहती है वो नहीं कह पाएगी। वो मोहिनी ने उनका फोन ले लिया है। क्या क्या ये? बहुत मनमानी कर रही है बाजी, आप लोगों की सारी फोटोएं भी फेंक दी, पूरा सामान फेंकने वाली है, पूरा घर बदल दिया। मैं देख के आ रहा हूँ बाजी। बदलने तो बेटा, वो सिर्फ सामान ही बदल सकती है ना, हमारी किस्मत तो नहीं बदल सकती। और ये सब करके ना हमको और मजबूती कर रही है। ये सिंदूर, ये सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी है, फेक पहचान है, जिससे सबको लगता है कि हमारे पापा है। नहीं है हमारे पापा मम्मी। अब ये तुम्हारे किस काम का, जब तुम घर छोड़कर जा ही रही हो? क्या कर रही हो ये? इतना कुछ होने के बाद भी जो आदमी तुमको और तुम्हारे बच्चों को सड़क पर ले आया, उसके नाम का सिंदूर अब भी लगा रही हो? फिर से है कोई मतलब अब इसका? हाँ है, है इसका मतलब। ये सिंदूर हमें याद दिलाएगा कि हमने क्या खोया है और हमें क्या वापस पाना है। ये सिंदूर हमें याद दिलाएगा कि हमें अपने बच्चों का हक उन्हें वापस दिलवाना है। ये सिंदूर हमें याद दिलाएगा कि वहां हमारी एक मां
जो इंतजार कर रही है कि हम कब वापस आएंगे और कब उसे अपने साथ लाएंगे। ये सिंदूर हमें याद दिलाएगा कि वो घर हमारे रिश्तों की धरोहर है और हम एक दिन वहां वापस जरूर जाएंगे। हॉट, एसी क्यों नहीं चल रहा है? What the hell, it's so hot. बैटरीज क्यों नहीं है इसमें? What rubbish. नहीं चला तो मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।